माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का हार्दिक धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार के अथक प्रयासों से आज इस शुभ अवसर पर कई विकास परियोजनाओं का माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से सविनय निवेदन है कि आप अपने शुभ हस्तों से रिमोट का बटन दबाकर 5 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं ONGC और NHAI की परियोजनाओं का लोकार्पण कर इन्हें देश के नाम समर्पित करें। विशाखापट्टनम मत्स्य हार्बर के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन कार्य का शिलान्यास हो रहा है, जिससे मछुआरों का आर्थिक सबलीकरण होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 130CD के रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे का ग्रीन फील्ड में 6 लेनीकरण, जिससे सुगम यातायात सहित क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति को बढ़ावा। राष्ट्रीय राजमार्ग 516C के कॉन्वेंट जंक्शन से शीला नगर जंक्शन तक का 6 लेनीकरण एवं विशाखापट्टनम बंदरगाह कनेक्टिविटी के लिए अतिरिक्त 4 लेन समर्पित पोर्ट रोड के कार्य का शिलान्यास हो रहा है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य का शिलान्यास हो रहा है, जिससे यात्रियों को मिलेंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। गेल की 745 किलोमीटर श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के निर्माण कार्य का शिलान्यास हो रहा है, जिससे आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा को स्वच्छ तथा पर्यावरण अनुकूल ईंधन की सुविधा प्राप्त होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 326A के नरसन्नपेटा से पाथापट्टनम खंड का 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित का पुनर्वास और उन्नयन। श्रीकाकुलम गजपति कॉरिडोर का लोकार्पण हो रहा है, जिससे स्थानीय उत्पादों के और अधिक व्यापार एवं स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा। ONGC के KGDWN 98x2 डीप वाटर ब्लॉक की ओडलार व्यू स्थित यू फील्ड अभितट फैसिलिटीज का लोकार्पण हो रहा है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिल रहा है।